हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग तरह की ट्रिक शेयर करूंगा जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ देखकर याद हो जाएंगी। तो ये वाली जो ट्रिक है मैंने आप लोगों को कोर्स में काफ़ी बार बताई भी है, लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो बड़ी ध्यान से इसे समझिए कि मैं आपको कौन सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हम पढ़कर याद करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखकर, सिर्फ देखकर याद करना होगा। और कुछ देर में आप लोग समझ जाएंगे कि ये ट्रिक कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड का मैप है। इस तरह के मैप आपको मिल जाएंगे, या मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो में सिखाया था, शॉर्टकट तरीका बताया था आप लोगों को क्लास में, तो होपफुली आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उससे क्या होगा कि आपको मैप खरीदना नहीं पड़ेगा, और मैप खरीदने की बजाय आप इसे सीख लीजिए। ठीक है, आप इसे अगर एक बार सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक तो लोकेशन, आप लोगों के सारी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी लोकेशन आप लोगों को याद हो जाएंगी। और जैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे दर्रों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसके बीच में है। तो जब आपके पास में लोकेशन होती है, अच्छी लोकेशन होती है, तो आप लोगों को सारे पता है तो कौन से दर्रे किस डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं वो भी आप इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, ये सारी चीजें अगर आपका मैप क्लियर है आपके ब्रेन में तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन हमारा जो चल रहा है अभी, हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर, कौन कौन सी जगह पर, अलग अलग जगह पर मिले हैं। तो रटने की बजाय हम क्यों ना उनकी लोकेशन याद रख लें। तो यहां पर है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आपको ताम्र मानव, ठीक है, ताम्र मानव आकृतियां मिली थी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ताम्र मानव। ये थोड़ा सा जो पेन है वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ जहां पर मैं चीजों को लिखूं आपको खाली बस उसको देखना, वहां पे फोकस करना आपको। तो मैंने ताम्र मानव यहां पर लिखा है, इस लाइन का आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे जैसे मैं टच करूंगा तो ये थोड़ा सा मिसबिहेव करते हुए एक लाइन खिंच जा रही है, तो इसे मैं कुछ दिनों में ठीक करवा दूंगा। तब तक आप लोग इसे इसी तरह से देखिए। तो यहाँ पे मैंने ताम्र मानव लिखा है। अब देखिए, आपको लोकेशन याद रखनी है कि ताम्र मानव कहाँ पर लिखा था मैंने। ठीक है, तो हमने ताम्र मानव यहाँ पर लिखा है। उसके बाद इसके अलावा जो दो प्लेसेस थे अल्मोड़ा में, ये ताम्र मानव मिले थे, और कौन कौन सी जगह पर मिले थे, एक मिला था आपका बनकोट, एक तो था बनकोट और दूसरा था नैनीपातल। नैनीपातल एक ही जगह का नाम है, नैनीपातल। ठीक है, नैनीपातल और बनकोट, बनकोट में मिले थे 8 और नैनीपातल में मिले थे 5। 8, 5, बनकोट और नैनीपातल और ताम्रमानव, ये कहां पर मैंने लिखा है, ये लिखा मैंने अल्मोड़ा में। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे हैं कप मार्क्स। कप मार्क्स जिन्हें हम ओखली भी बोलते हैं, ये आप लोगों का द्वारहाट, नौगांव, मुनिया की दाई तथा जोयो गांव, अल्मोड़ा, ये भी आपका कहाँ पर भी मिले थे, अल्मोड़ा में मिले थे, और कुमाऊं में जसकोट, देवीदुरा में, और डॉक्टर कछोट ने गोपेश्वर और पश्चिमी नयार घाटी में इसके अवशेष मिले थे। इसके बाद आ जाते हैं ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण आपके कहाँ पर मिले थे, यहाँ पे आ जाते हैं ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण आपके मिले थे हरिद्वार में। हरिद्वार में कहाँ पर, बहादराबाद और हरिद्वार। हरिद्वार तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम ही हरिद्वार है, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चराइजेशन से आपको देखना है कि अगर आप आंखें बंद करके इस मैप को विजुअलाइज करें तो आपको चीजें समझ में आ जाए। अब इसके बाद देहरादून में आ जाते हैं। देहरादून में हमें कालसी में क्या मिले थे, कालसी, ये है आपकी कालसी, कालसी घाटी। ठीक है, कालसी घाटी में हमें उपकरण मिले थे, कालसी घाटी में उपकरण मिले थे। ठीक है, ये आपका क्या है, आरंभिक पाषाण कालीन जो उपकरण थे वो यहां पर मिले थे, उपकरण। कौन से उपकरण थे, आरंभिक पाषाण कालीन, पाषाण कालीन उपकरण। तो अब देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आंखें बंद कीजिए और बताइए कि मैंने पाषाण कालीन जो उपकरण थे वो कहाँ पर लिखा था, तो वो लिखा था मैंने देहरादून में, और देहरादून में कहाँ पर मिले थे, कालसी घाटी में। ठीक है, ताम्र मानव कहाँ पर मिले थे, बनकोट, 8 मिले थे, और
नैनी पातल में कितने मिले थे? 5 मिले थे। उसके बाद आ जाते हैं चमोली में। चमोली में मलारी जो जगह है, मलारी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मलारी। मलारी में सवाधान मिला था और बरियल्स जिसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला था? सवाधान, बरियल्स। और बरियल्स के अंदर हमें लौह उपकरण, पशु कंकाल, मानव कंकाल और स्वर्ण मुखोटा भी मिला था, और 10 मृतिका पात्र, 10 मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिले थे? पशु कंकाल, मानव कंकाल, स्वर्ण मुखोटा, ये सारी जगह कहाँ कहाँ पे मिले थे हमें? मलारी में मिले थे। और ये कहाँ पर है? जनपद चमोली में है। इसके बाद आ जाते हैं सिस्ट और अर्न बरियल, दो तरह के ये मिले थे आप लोगों को। भिक्यासैंण, भिक्यासैंण आपका पौड़ी गढ़वाल में है। तो आप लोग अगर पूछा जाए कि सिस्ट वह अर्न बरियल, अर्न बरियल, बरियल का मतलब वही है, सवाधान, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है बरियल। अगर आप इसको इंग्लिश में हम लिखे तो ये होगा आपका बरियल, सिस्ट वह अर्न बरियल। ये कहां पर मिला था आपका? भिक्यासैंण में, भिक्यासैंण, ये आपका भिक्यासैंण है। और अगर यहाँ पे गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सानड़ा बसेड़ी ग्राम, सानड़ा बसेड़ी ग्राम। अब थोड़ा सा क्या है कि कंप्यूटर में स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है, और हाथ से इससे पेन से लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है या वो भर जाती है जगह, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि ऑलरेडी पौड़ी गढ़वाल लिखा हुआ है, हमें पता ही है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर क्या है, तो हमें पौड़ी गढ़वाल लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार आप क्या कीजिए, एक रफ मैप बनाइए और उसमें फटाफट चीजों को लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों का काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चमोली में अब देखते हैं प्राक और आद्य ऐतिहासिक उत्तराखंड में अगर हम बोले तो जो पुरातात्विक स्रोत मिले थे वो कहाँ कहाँ मिले थे। तो यहाँ पे हमारा एक था गोरखा उडियार, गोरखा उडियार, हमने यहाँ पे लिखा गोरखा उडियार। और अगर हो सके तो जब आप इस ट्रिक को यूज कर रहे हो या इस तरीके को यूज कर रहे हो याद करने के लिए, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक मैप में आप कम से कम चीजें लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे आपने मलारी सवाधान लिख के लिख दिया था, सिस्ट वर्ण बरियल लिख दिया था, ताम्र उपकरण लिख लिया था, और यहाँ पे कालसी घाटी उपकरण, पाषाण कालीन उपकरण लिख लिया था। तो ये बस आप इतने में ही प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो आपको क्लास के लिए बता रहा हूँ चीजें। तो गोरखा उडियार, गोरखा उडियार में आपको भेड़, बारह सिंगा, लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले थे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे एक तो हो गया भेड़, ठीक है, और उसके बाद था बारह सिंगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जानवर वहां पर थे, कौन कौन से जानवरों के चित्र वहां पर बने हुए थे, और लोमड़ी, इनके रंगीन चित्र वहां पर मिले थे। और चमोली में ये जो मिला था गोरखा उडियार, ये डुंगरी ग्राम में मिला था आप लोगों का। तो आप लिख सकते हैं डुंगरी ग्राम, मैं इसको आपको बाहर यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, बाद में आप लोग इसे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आपका डुंगरी ग्राम। और यहाँ पर कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सा कलर था, तो कौन सा कलर में बनाए गए थे, ये आपका पीले रंग के थे और इसमें गुलाबी और लाल रंग के चित्र भी अंकित किए गए थे, ठीक है। इसका गुलाबी पीले कलर का जो था वो इस तरह से बनाया गया था, और उसके अंदर दो कलर में चित्र आप लोगों को मिलेंगे, गुलाबी और लाल रंग का। तो ये काफी डिटेल में आप लोग इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं किमनी। किमनी जो है, किमनी ग्राम, शैलाश्रय, यहाँ पर हथियार और पशु चित्र थे, ठीक है। ये भी आपका कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर पिंडर घाटी में ही है, तो ये भी आपका चमोली में ही है, तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। वैसे एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप इन्हें मार्क करें तो इस तरह से इन्हें आउट ना लिखें। मैं फिर से आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पर स्पेस की वजह से मैं इन्हें बाहर लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसे पिक्चराइजेशन कर रहे हैं तो पिक्चराइजेशन आप इसे चमोली में ही करें, या जितनी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं इन्हें छोटा और छोटा लिखकर आप पूरा यहीं फिल कीजिए, पूरा चमोली में ही इसे फिल कीजिए, तब ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आप पिक्चराइजेशन कर पाएंगे इसमें। तो जो किमनी ग्राम है, ठीक है, किमनी, किमनी कहाँ पर? चमोली में किमनी ग्राम,
और किमनी ग्राम में यहाँ पर आप लोगों को मिले थे हथियार और पशु चित्र, हथियार प्लस पशु चित्र, ये आपको मिला था कहाँ पर, किमनी ग्राम में मिले थे। ठीक है, कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर पिंडर घाटी में ये मिले थे। और ये किस तरह किस कलर के थे ये आप लोगों को याद रखना है, श्वेत कलर के थे, मीन्स सफेद कलर के थे। यहाँ पर कौन से थे, डुंगरी ग्राम में ये आपके पीले कलर की यहाँ पे पट्टी थी और उसके अंदर गुलाबी और लाल रंग के चित्र बने हुए थे। अब आ जाते हैं काले, उस उत्तरकाशी में आ जाते हैं। उत्तरकाशी में आपको काले रंग का आलेख देखने को मिलते हैं, काले रंग के आलेख, काले। ठीक है, तो अब आप कलर वाइज भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आंखें बंद कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने पीला कहां पर लिखा था, किस जगह पर लिखा था, सफेद कहां पर लिखा था और काले रंग के जो चित्र थे वो कहां पे थे, तो ये काले और जो पीले और सफेद है ये आपका चमोली में ही है। अब अगर मैंने यहाँ पर इसे लिखा होता, श्वेत यहाँ पर लिखा होता और पीले भी यहाँ पर लिखा होता, तो आपके लिए ये ज्यादा इजी होता इसे पिक्चराइजेशन करना, सही जगह पे पिक्चराइजेशन करना। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसका पिक्चराइजेशन पिथौरागढ़ में कर लेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपको करना क्या है कि यही फिल करना है, आपको सारी चीजें यही फिल करनी है। नेक्स्ट एक वीडियो में जरूर आप लोगों के लिए बताऊंगा कि जिसमें कि मैं ये सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पूरी चीजें एक ही सामने आप लोगों को फिल करके दूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आप लोगों के लिए इस तरह से जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी जो तैयारी है, जो चीजें बोली जा रही है उन्हें उसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को काफी सारी चीजें इजीली याद हो जाएंगी। तो काले रंग का जो आलेख था, काले रंग का आलेख, वो काले रंग का आलेख कहाँ पर मिला आप लोगों का, मैंने लिखा ही उत्तरकाशी में, तो सीधे सीधे आपको काले रंग का ये आप लोगों को करना है। इसमें आपको यमुना घाटी भी याद रख सकते हैं आप, यमुना घाटी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट से ना पूछकर जगह का नाम पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर यमुना घाटी उत्तरकाशी में मिला था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सी लिपि में इसे लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका शंख लिपि में लिखा गया था, शंख लिपि में लिखा गया था। ठीक है, अब जितना जितनी चीजें हमने आपको कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है उससे ऊपर की चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो पे दे रहा हूँ, और जो भी नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे कोर्स के साथ में। अब आ जाते हैं नीचे, अब लखु उडियार। ठीक है, लखु उडियार जो है वो आपका अल्मोड़ा में है, और क्योंकि ये फिल हो चुका है ऑलरेडी तो हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे। लाखू उड़ियार में नर कंकाल हमें मिलते हैं, लिख लेता हूँ पहले लाखू उड़ियार। तो जो नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि उड़ियार क्या होता है, उड़ियार सिंपली गुफा को गढ़वाली में उड़ियार बोला जाता है, तो आप लोगों को लाखू गुफा या लाखू उड़ियार आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिला था, यहाँ पे आपको मिला था नर कंकाल, नरकंकाल मिले थे, मिट्टी के बर्तन थे और जानवरों के अंग भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये आपका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में मिल जाता है। नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय भी यहाँ पर मिला था। ठीक है, और इसमें सामूहिक नृत्य करते हुए लोग भी हैं जिसमें लाल, काला और सफेद रंग, तीन तरह के कलर का यूज किया गया था, लाल, काला और सफेद रंग। अब क्योंकि जॉब की बात है तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों के लिए ढूंढ के लाई जाती हैं। सॉरी, ये इसलिए होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा इसका किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब जब हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए तो जितना डिटेल में हम पढ़ पाए उतना डिटेल में हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। अल्मोड़ा में ही सुयाल नदी के तट पर एक फड़कनौला शिलाश्रय भी मिला था। तो अल्मोड़ा में आप लोग देखेंगे कि काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, तो आप छोटा छोटा करके यहाँ पर सारी चीजें दोबारा से आप लोग लिख सकते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पे तीन चित्रित शिलाश्रय भी शैलाश्रय मिले थे, तीन जो थे चित्रित चित्रित शैलाश्रय। दो बार इसलिए बोल रहा हूं कि क्या पता यहाँ पर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। और यह इसी चित्रित शैलाश्रय को फड़क नौला शैलाश्रय भी बोला जाता है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, फड़क नौला। अब गढ़वाल या कुमाऊं जो भी रीजन है उसमें एक चीज होता है कि जो ये नौला होता है, नौला सिंपली पानी का नौला होता था, उसमें पानी पानी जहां से लाते थे लोग अपना पीने के लिए उसे नौला बोला जाता था। तो फड़क नौला शैलाश्रय
वहां पर है। इसकी जो खोज थी फड़कनौला शैलाश्वय की, वो आपकी 1985 में हुई थी और ये की थी डॉक्टर मठपाल ने। आप लोग ये भी आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉक्टर मठपाल ने, ठीक है, डॉक्टर मठपाल ने इसकी खोज की थी। ये सुयाल नदी के तट पर है। तो इतनी चीजें आप लोगों को होपफुली याद हो गई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें अल्मोड़ा में ही, तो अल्मोड़ा का एक और आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को राउंड शेप में करके दे देता हूँ। ये है आपका पेटशाला ग्राम, पेटशाला ग्राम शैलाश्रय, शैलाश्रय, पेटशाला ग्राम शैलाश्रय। यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिख लेता हूँ, बिल्कुल इसी को मैं आपको अभी सीरीज में भी लिख के पूरा दे दूंगा। आप डोंट वरी, आप लोग आराम से इसे पेटशाला, ठीक है, ये पेंटशाला नहीं है, पेटशाला है, पेटशाला शिलाश्रय। इसके बाद आता है अल्मोड़ा में ही फलसीमा ग्राम शिलाश्रय है, कसार देवी पहाड़ शिलाश्रय और लुथाप शिलाश्रय है। इतनी चीजें आप लोगों की मिली है। तो ये आप इस तरह से एक मैप ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को इसे सीरीज में लिख के सारी चीजें दे देता हूँ, जिससे कि आप आराम से नोट डाउन कर पाएंगे इसको। और फिर साथ ही साथ हम बाद में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपका इतिहास और हिंदी की क्लासेस, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पेड क्लासेस में तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य से शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था ताम्र मानव आकृतियाँ। यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं, क्योंकि येलो कलर में आप लोगों को साफ दिखाई देगा, ठीक है, ताम्र मानव आकृतियां। ताम्र मानव आकृतियां जो मिली थी वो आपके अल्मोड़ा में मिली हैं, और अल्मोड़ा में कौन कौन सी जगह पर मिली हैं ये आप लोग लिख लीजिए। ये है आपका बनकोट, और दूसरा है नैनीपातल। नैनीपातल, नैनीपातल में कितनी मिली हैं? 5। दूसरा है आप लोगों का ओखली, ओखली, या इनको कप मार्क्स बोला गया है, सीओपी, सॉरी, सीओपी कप मार्क्स इनको बोला गया है। ये आपके कहाँ कहाँ मिले हैं? ये मिले आपका द्वारहाट, नौगांव, द्वारहाट, नौगांव, द्वारहाट, नौगांव में, इवन गोपेश्वर में भी मिली है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण और गैरिक सदृश मृद्भांड, गैरिक, जिन्हें ओसीपी भी बोला जाता है, ओकर कलर पॉट भी बोला जाता है। तो गैरिक सदृश मृद्भांड मीन्स मिट्टी के बने हुए मृद्भांड, ये आपके कहाँ पर मिले हैं? ये थे आपके। अब आप याद कीजिए कि हमने ये मैप में कहाँ कहाँ लिखे थे। भाद्रावाद, हरिद्वार में हमने इनको लिखा था। आपको बिल्कुल साथ साथ ही पिक्चराइजेशन करते हुए चलना है। चौथा है आपका कालसी, कालसी घाटी, कालसी घाटी कहाँ पर? देहरादून, ठीक है, देहरादून में। और यहाँ मिला क्या था? इसमें पाषाणकालीन उपकरण मिले थे, ये हमने लिखा था। आप लोग धीरे धीरे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था कि जो पिक्चराइजेशन मेथड है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ऐसी चीजों को याद करने में। पाषाणकालीन उपकरण आप लोगों को वहां पर मिले थे। उसके बाद आ जाते हैं पांचवे, मलारी। मलारी में हमें, मलारी जो है वो कहाँ पर हमने लिखा था? वो लिखा था हमने चमोली में। और यहाँ पर हमें मलारी में काफी सारी चीजें मिली थी, जैसे लौह उपकरण मिले थे, साथ में पशु कंकाल मिले थे, मानव कंकाल मिले थे, और स्वर्ण मुखौटा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि जो स्वर्ण मुखौटा मिला था वो कहाँ पर मिला था।
मुखौटा, ठीक है, 10 मृतिका पात्र भी यहाँ पर मिले थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिस्ट और अर्न बरियल लिखवाया था, ये सिक्स्थ में आप लोग देखिए, सिस्ट व अर्न बरियल, अर्न बरियल ये कहां पर था आपका? विकिया सैंड में, विकिया सैंड। कई बार जगह का नाम पूछ लिया जाता है, छोटी जगह का, वो है आपका सानड़ा बसेड़ी ग्राम, सानड़ा बसेड़ी ग्राम, ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो प्राक एवं आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं, उसमें आप लोगों का पहला है गोरखा उडियार, गोरखा उडियार। उडियार मैंने आप लोगों को बताया, ये सिंपली गुफा के लिए बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मानव, भेड़, 12 सिंगा और लोमड़ी, इतने आप लोगों को क्या है चीजें देखने को मिलेंगी। और गांव का नाम अगर पूछा जाए कि गांव का नाम क्या था, तो वो था आपका डूंगरी, डूंगरी ग्राम चमोली, डूंगरी ग्राम चमोली। इसमें कलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरह से ये क्या था, पीले कलर का था, जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ, पीले कलर का था। और इसमें गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित हुए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे में, किमनी ग्राम, किमनी ग्राम में, किमनी ग्राम जो शैलाश्रय है, वहां पर क्या क्या चीजें मिली थी? वहां पर मिला था आपका हथियार मिले थे, और प्लस आपके पशु चित्र भी मिले थे, पशु चित्र। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस कलर में मिले थे, तो किमनी ग्राम में क्या थे, श्वेत कलर के क्या थे, पशु थे। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट आपका काले रंग का आलेख, ये जो काले रंग का आलेख था, ये कहाँ पर मिला था? काले रंग का आलेख, काले रंग का जो आलेख है, ये आपका उत्तरकाशी में आपको मिला, उत्तरकाशी। और इसमें आप लोग याद रखेंगे कि ये यमुना घाटी में आप लोगों को था, यमुना घाटी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि वहां पे पूछा जाता है कि कौन सी लिपि में लिखा गया था, तो ये आपका शंक लिपि में लिखा गया था। चौथा आप लोग याद रखेंगे लखु उड़ियार, इसी क्रम में लखु उड़ियार, लखु उड़ियार में आपको नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अंग मिले थे। इसी में आप लोगों को यहीं पर नागफनी आकृति का, नागफनी आकार का एक शैलाश्रय मिला था, ठीक है। शैलाश्रय का मतलब होता है पत्थर का बना हुआ बड़ा सा शैलाश्रय, ठीक है, शिलाश्रय, सॉरी, इसे शैलाश्रय की जगह हम शिलाश्रय बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फड़क नौला, फड़का नौला, फड़का नौला शिलाश्रय, शिला पत्थर को बोला जाता है, तो शिलाश्रय। इसकी जो खोज की गई थी वो 1985 में की थी, डॉक्टर मठपाल ने की थी, ठीक है, डॉक्टर मठपाल ने इसकी खोज की थी। ये श्योयाल नदी के तट पर है, अल्मोड़ा में। इसमें 3 चित्रित शिलाश्रय भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग लिख कर नोट कर लीजिए इन चीजों को। उसके बाद है आपका पेटशाला ग्राम शिलाश्रय, लखु उड़ियार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम अल्मोड़ा में ही ये आप लोगों का है, ये भी आप लोगों का 1989 में इसे डॉक्टर मठपाल ने ही ढूंढा था। सातवां फल सीमा ग्राम शिलाश्रय,
ये आपका कहां पर है? अल्मोड़ा। फिर है आपका कसार देवी पहाड़ शिलाश्रय, कसार देवी, ये भी आपका कहां पर है? अल्मोड़ा में ही है। लुएथाप आ जाता है, लुए थाप ग्राम शिलाश्रय, ये अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर है। यहाँ पर लाल रंग के चित्र आप लोगों को दिखाई देंगे, लाल रंग के चित्र। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूर ये हेल्पफुल होगी, जो कि आपके एग्जाम में जब भी पूछी जाएगी। और अगर आप इसे दोनों तरह से एक बार आप पूरी सीरीज को याद कर लीजिए और एक बार इसको पिक्चराइजेशन मेथड से याद करने की कोशिश कीजिए। ब्लैंक मैप्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी मैप ड्रॉ करने की, उस तरीके से आप करेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे आपको इस मैप को बनाने में। और फिर आप ये जितना इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं बार बार, और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।